राजस्थान के बारा में मांगरौल तहसील क्षेत्र के ग्राम पाडलिया में जय माता दी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में पाडलिया प्रीमियम लीग पंचम क्रिकेट प्रतियोगिता सोमवार से शुरू हुई। प्रतियोगिता उद्घाटन के मुख्य अतिथि विशाल गालव बारा रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष व विशिष्ट अतिथि बाल मुकुंद राठौर ठेकेदार के क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के विजेता को 21,000 व उपविजेता को 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। जय माता दी क्रिकेट क्लब से जुड़े विजय सिंह, अजय गुर्जर, प्रमोद सुमन ने बताया कि पहला मैच जलौदा तेजाजी बोहत के मध्य उद्घाटन मैच हुआ, जिसमें जलौदा तेजाजी ने बोहत को 50 रन से हराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल को खेल की भावना खेलना चाहिए। हर वह जीत खेलों का अभिन्न हिस्सा है। जीत से खिलाड़ियों को अति उत्साहित तथा हार से निराश नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व आयोजन समिति के युवाओं द्वारा अतिथियों का माला बसाफा बनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता से जुड़े तेज सिंह, जीतू गुजर, भानु बिपिन, हेमंत, योगेंद्र, रामकिशन, डब्बू धीरज, लोकेश दीवान चौधरी, कई युवक मौजूद रहे। मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ा, अपने वेतन नहीं बता सका। ये इसमें प्यार आपका हमेशा बना रहे मेरे लिए। दोस्तों, खेल हमें बहुत कुछ देता है। जो व्यक्ति खेल खेलता है, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी खेल हो, जो व्यक्ति रेगुलर खेलते हैं वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।